जिंदगी का एक ऐसा छड़ होता है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब भी आदमी अपनी परेशानियों में घिरा होता है तो उसे कहीं ना कहीं तनाव कुछ ना कुछ परेशानी दे ही जाता है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। तनाव किसी को भी घेर सकता है, किसी के भी शरीर पर नुकसान पहुंचा सकता है। तनाव एक सीमित दायरे में नहीं होता, बल्कि लोगों की इस दायरे को वो उस तरह बर्बाद कर देता है जिस तरह उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं। तनाव का कारण पारिवारिक भी हो सकता है। आपके परिवार की घरेलू समस्याएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। वहीं आपके यार दोस्त या ऐसे कोई यारी रह गई हो जिसने आपको कुछ ना कुछ विषयों पर लेकर टिप्पणी की हो, जिससे आप तनाव में आ जाते हो। कई ऐसे हालात भी आ जाते हैं जिंदगी के जब आप तनाव में रहते हैं, और जब इंसान तनाव में रहता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं अधर में ले जाता है और पूरी तरह परेशान होने लगता है। धीरे धीरे वो परेशानी उसकी जिंदगी के लिए काल साबित होती है। तो आज की चर्चा जो मेरी है वो तनाव पर ही है, और मैं इस चर्चा को लेकर हाजिर हूँ अंकुर अस्थाना अपने खास चैनल क्यूरियन ही आयुर्वेदा में। और आज मैं आपको उस सेलिब्रिटी से रूबरू कराऊंगा जिसकी जिंदगी पूरी तनाव में कटी, और उस संघर्ष को झेलते झेलते आखिर में उन्होंने वो सफलता हासिल की जो हर किसी के बस की बात नहीं। वो जिंदगी भर मुस्कुराता रहा, वो जिंदगी भर मुस्कुराता रहा और खुद की परेशानी और समस्याओं को लोगों के सामने जाहिर भी होने नहीं दिया। वो जब भी आता था कुछ बोलता नहीं था, अपने एक्सप्रेशन से ही दुनिया को हंसाता रहा। हम बात कर रहे हैं आज के खास शो में चार्ली चैपलिन की, जो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन रहे हैं। साइलेंट कॉमेडियन की एक्टिंग उनकी आज भी लोगों के दिमाग में और जहन में बसी है। हम जब भी टीवी टेलीविजन के पास जाते हैं और कभी भी तनाव में रहते हैं तो चैनल बदलते रहते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा शो आ जाए जो हमारी जिंदगी में खुशियां लाए और उस पल को देखकर हम कुछ हंस सकें। तो आपका रिमोट तब रुकता होगा जब आप चार्ली चैपलिन का चेहरा देख लेते होंगे। उनके चेहरे में वो खासियत थी जो हमेशा लोगों के लिए खुशी पैदा कर सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ली चैपलिन खुद की जिंदगी में बड़े तनाव में थे। बड़ी परेशानियों के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर तय किया। एक वक्त ऐसा था जब चार्ली चैपलिन अपनी जिंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालात तो ऐसे भी है कि जब पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो उनकी माँ मानसिक रूप से विकलांग हो गई, या यूं कहें पागल हो गई थी। उनकी माँ पागल खाने चली गई थी। उन सभी बुरे हालात को झेलते हुए वो अपनी मुस्कुराहट से, वो अपने दर्द को छुपाकर अपनी हंसी से लोगों के अंदर जिंदा दिली के साथ जिंदा रहे। वो एक ऐसा माहौल था जब विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों के अंदर एकता और प्यार का जज्बा पैदा किया। तो आखिर चार्ली चैपलिन की जिंदगी में क्या तनाव थे, क्या परेशानी थी, जिंदगी का सफर उनका कैसा था और उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने संघर्ष किए, ये मेरी खास रिपोर्ट में आप देखें। स्टार्ट योर करियर विद अस। मेरा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ये लाइंस किसी फिल्मी किरदार का डायलॉग नहीं है, ये पंक्ति एक ऐसे शख्स ने कही है जो दिल में लाखों दर्द और आंखों में कीमती आंसू छुपाए अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने का काम करता रहा। हम बात कर रहे हैं अमर कॉमेडी किंग यानी मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने के लिए नीलाम कर दिया था। दोस्तों अगर बात की जाए, जब हम परेशानी में रहते हैं, परेशानी की वजह कोई भी हो सकती है, जब आप ऑफिस के तनाव या फिर अपनी आपसी उलझनों में गमगीन हो गए तो जरूर आपने घर में टीवी को ऑन करके वो किरदार देखना पसंद करते होंगे जो आपको कुछ देर के लिए हंसाए। चैनल बदलते हुए टीवी स्क्रीन पर जब कोई शख्स काला लिबास पहने हुए, सिर पर काली टोपी सजाए और चेहरे पर छोटी मूछे रखकर बिना कुछ कहे अजीबोगरीब हरकतें करता दिखता होगा तो आपकी चैनल ढूंढने की तलाश खत्म हो जाती होगी। ऐसा शख्स कोई और नहीं बल्कि महान कॉमेडी किंग चार्ली चैपलिन ही रहे होंगे, जिनके आगे दुनिया की सारी कॉमेडी नतमस्तक हो जाती है। चार्ली को देखने के बाद यकीनन आपके चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कान आ जाती होगी। इस मुस्कान के बाद आप दो पल के लिए अपने सारे गम भुला देते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप को हंसाने के लिए किसी की मुस्कान को पाया है? नहीं। लेकिन क्या आपने कभी आपको हंसाने वाले इस अजीब से दिखने वाले शख्स की जिंदगी में बारे में पढ़ा है कि वो कितने तनाव और परेशानियों के साथ लोगों को हंसाते रहे? अगर नहीं तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर किस तनाव को झेलते हुए संघर्ष के साथ कॉमेडी का किंग का सम्मान हासिल किया। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को हुआ था।
चार्ली का बचपन लंदन शहर में बीता। बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन का पूरा नाम चार्ल्स स्पिनर्स चैपलिन था। वह तो बाद में एक कॉमेडियन के तौर पर मशहूर होने के बाद दुनिया के अलग अंदाज में सामने आया, उनका नाम चार्ली चैपलिन रख दिया गया। कहते हैं कि चार्लिन के पिता एक शराबी थे। जब चार्ली बहुत छोटे से थे उस समय ही वह उनके पिता उनकी माँ को और चार्ली को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद चार्ली की माँ पर उनको और उनके एक भाई को पालने का बोझ आ गया। उनकी शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। माँ एक म्यूजिकल हॉल में सिंगर थी, मगर उनके शो से बस परिवार का गुजारा चल पाता था। अपने शुरुआती दिनों में ही चार्ली को एक मुश्किल जिंदगी बितानी पड़ी, या यूं कहें तनाव भरी जिंदगी का सामना करना पड़ा। उस समय चार्ली बहुत ही छोटे थे, लेकिन इतने ही छोटे नहीं कि अपनी माँ का दर्द ना समझ सके। पिता के छोड़ जाने के बाद उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और वह बीमार हो गई। उनकी माँ ही थी जो घर चलाती थी। चार्ली और उनके भाई दोनों ही छोटे थे। ऊपर से लंदन में उस समय काम ढूंढना भी बेहद मुश्किल काम था। ये पंक्ति चार्ली चैपलिन की कही हुई है। चार्ली कम उम्र से ही काफी परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों और मुसीबतों को हंसकर टाल दिया और अपने काम पर लगे रहे। चार्ली वक्त के साथ आने वाली हर मुसीबतों का सामना मुस्कुराकर करते रहे। शायद वह भी नहीं जानते थे कि उनका यह हंसना उनके जख्मों पर मरहम का काम करेगा। मुसीबतन ज्यादा जिंदगी को हंसा कर जीने और कला सिखाने वाले उन्हें शौहरत के मकाम पर ले गई। मात्र 19 साल की उम्र में चार्ली ने रंगमंच की नामी कंपनी फ्रेड कार्गो के साथ करार कर लिया। कंपनी उन्हें अमेरिका ले गई और फिर उसके बाद चार्ली ने वो मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया आज भी उन्हें जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद करती है। चार्लिन की नटखट हरकतें लोगों को इतना गुदगुदाती हैं कि हंसते हंसते उनका मुंह दर्द और से और लाल हो जाता है। छोटे से चार्ली जब स्टेज पर आते तो लोगों की तालियां बजना बंद नहीं होती थी। उनकी माँ भी एक स्टेज आर्टिस्ट थी और अब चार्ली भी उनके नक्शे कदमों पर चल रहे थे। वह भी धीरे धीरे अपनी माँ से पर स्टेज आर्टिस्ट बन गए। उनके नाम भर से ही हॉल की टिकटें बिक जाया करती थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में चार्ली इतने सफल हुए कि हर कोई देखता रह गया। चार्ली ने अपनी हंसी को ही अपना हथियार बनाते हुए फिल्मों में दस्तक दी और रंगमंच की दुनिया में अपने उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। वह भी फिल्मी पर्दे पर आते तो उन्हें देखकर हर कोई हंसने लगता। उन्हें कितनी भी फिल्में करी, सारी फिल्में उन्होंने जितनी भी की वो हिट रही। आगे चलकर चार्ली ने अमेरिका में अपनी खुद की कंपनी यूनाइटेड आर्टिस्ट बनाई। बस फिर क्या था, चार्ली को अब अपनी फिल्म पर पूरा कंट्रोल हो गया और वह अब न सिर्फ हास्य कलाकार थे बल्कि स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, एडिटर और एक्टर भी बनकर उभरे। चार्ली चैपलिन साइनस स्लेमा के सबसे बड़े अदाकार बन गए थे। वह बिना बोले लोगों के दिलों तक पहुंच रहे थे। मात्र 19 साल की उम्र में अमेरिका की जमीन पर पैर रखने वाले चार्ली चैपलिन कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से बहुत आगे निकल गए। अन्य फिल्म स्टार व मुकाम पाने के लिए सिर्फ सोचते थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि बेहद गरीबी और दिक्कतों में पलने वाले चार्ली एक दिन उस अवार्ड को दावेदार बनेंगे जो चुनिंदा लोगों को भी दिया जाता है। चार्ली ने अपनी प्रतिभा के दम पर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा भी उन्होंने समय समय पर कई तरह के अवार्ड अपने नाम किए। अवार्ड तो उन्हें बहुत मिले, लेकिन उनकी प्रतिभा और उस अवार्ड से भी कहीं ज्यादा थी। वहीं चार्ली का जिंदगी का सफर भी विवादों से रहा। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है तो विवाद खुद चलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया में अपनी कला के दम पर छाने वाले चार्ली का भी विवादों से नाता रहा। चार्ली ने कभी सपने में नहीं सोचा था होगा कि जिस अमेरिकी देश में उन्हें इतना सम्मान और नाम और शोहरत मिली है, एक दिन यही देश उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देगा। चार्ली की जिंदगी का एक पहल यह भी है कि उनकी जिंदगी ने फिर पलटी मारी और हालात बिल्कुल उलट हो गए। 1940 में उनकी आई फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के नाम से उनका नाम काफी विवादों में जुड़ गया। क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर पर बनी इस फिल्म के बाद उन पर कई राजनीति आरोप लगने लगे। इसके अलावा उनके बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने की बात भी सामने आती रही। चार्ली सबसे ज्यादा विवादों में अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में चार शादियां की, जिसमें से उन्हें 3 पत्नियों को छोड़ दिया।
चार्ली जितने बड़ी अदाकारी के साथ प्रसिद्ध थे उतनी ही अपने विवादों के लिए भी रहे। 1977 में गिरा शो का पर्दा। विवादों में फंसने के बाद चार्ली स्विट्जरलैंड आ गए और अपनी जिंदगी जीने लगे। चार्ली ने 25 दिसंबर 1977 को अपने स्विट्जरलैंड के घर में आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि बीमारी के कारण ही उनकी जान गई। उस समय उनके साथ उनकी चौथी पत्नी और उनके बच्चे थे। जानकर आपको ये भी हैरानी होगी कि चार्ली का पार्थिव शरीर भी चोरी हो गया था। जो स्थानीय आदमियों ने उनका पार्थिव शरीर चोरी किया कर डाला था। चार्ली के मृत शरीर को वापस करने के लिए उन दो आदमियों ने चार्ली के परिवार से करीब $4,00,000 जैसी बड़ी रकम की मांग की थी। उन दोनों आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और चार्ली के शरीर को फिर दफनाया गया। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। तो देखा, हमारी इस खास रिपोर्ट में चार्ली चैपलिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, वो कैसे कैसे हालातों से गुजरे। कभी खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन तभी भी वो अपने आप को ऐसा बना कर रखते थे कि लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि जो असली में उन्हें हंसाता है दुनिया का इतना बड़ा कॉमेडियन है जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। उसकी कॉमेडी से लोग दिलों दिल में खुशी महसूस करते हैं। वो आखिर में कितने कम में था। चार्ली चैपलिन जिस तनाव की और जिस हालात की स्थिति से गुजरे और इतने बड़े कॉमेडियन बने, उनकी जैसा मैंने दिखाया आपको इस रिपोर्ट में, उनकी पारिवारिक जिंदगी यानी उनकी पत्नियां भी थीं जिसमें भी वो विवादों में रहे, काफ़ी जिंदगी उनका संघर्षशील सफर तय करते हुए बढ़ी थी। लेकिन चार्ली चैपलिन कहीं नहीं हारे और हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, लोगों की जिंदगी को हमेशा खुशहाल बनाने की कोशिश में लगे रहे। चार्ली चैपलिन का संघर्ष हमेशा लोगों के बीच रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने शो के माध्यम से ये जाहिर नहीं होने दिया कि आखिर उनमें कितना गम है। तो मेरे इस खास कॉमेडियन को, इस खास कॉमेडियन स्टार को आज जो हम बता रहे हैं कि वो कितने तनाव से और कितने संघर्ष से रहे, ये मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया। पर आपको एक चीज और जानना बहुत जरूरी है कि चार्ली चैपलिन एक ऐसे स्टार थे जिन्हें तनाव होने के बावजूद उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी तनाव उनके मानसिक रूप पर और उनके शारीरिक पर किसी भी तरह से हावी नहीं होगी। इसी बात की वो मिसाल थे। तो अगर कभी आप भी तनाव से ग्रसित हों तो मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा। जैसे मेरा चैनल क्यूरियनी आयुर्वेदा हर समस्याओं और परेशानियों से उपचार बताता, तो मैं भी आज आपको उपचार बताऊंगा अगर आप भी तनाव में ग्रसित हैं। क्योंकि अगर आप तनाव की सीमा से बढ़ते चले गए तो आपको मनोचिकित्सक को दिखाना पड़ेगा और फिर वो गंभीर बीमारी हो जाएगी और आपको दवाओं का सेवन आजीवन भी करना पड़ सकता है। कई ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आते रहे हैं जो मानसिक तनाव की स्थिति से इतना ज्यादा बढ़ गए कि वो सोच सोच के अपने दिमाग का संतुलन भी खो बैठे। तो आज जो हम आपको उपचार बताएंगे, अगर आप भी मानसिक तनाव में हैं तो आप हमेशा शांत और खुली जगह पर टहलने के लिए जाएं। रोजाना आप व्यायाम के तौर पर जाएं या आप पैदल यात्रा करें घास वाली जगह पर, एकांत की जगह। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। अगर आपको तनाव होता है तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, उससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और सकारात्मक सोच आएगी। वहीं आपको सकारात्मक सोच रखने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोच में रहते हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं आपको परेशान करती रहती हैं और आप परेशानी से ग्रसित होकर होते 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 कहीं ना कहीं तनाव में स्थिति में आ जाते हैं, परेशानी में हो जाते हैं। तो आप हमेशा अगर कभी तनाव में रहें तो आप तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए आप पूरी तरह से ये सक्षम रखें, ये सोचें कि आप नकारात्मक फीलिंग्स अपने अंदर से हटा दें। वहीं आप योगा और प्राणायाम भी करें और मेडिटेशन का भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि तनाव की स्थिति को कम करने के लिए, परेशानी को, मानसिक तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए मेडिटेशन काफ़ी कारगर साबित होगा। तो ये सारे उपाय आप आजमा कर तनाव से बच सकते हैं, समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मेरी आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ यही बात थी तनाव को लेकर और बड़े स्टार चार्ली चैपलिन की जिंदगी के संघर्ष को लेकर, क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे थे मेरा माध्यम बीमारी से जुड़ा हुआ है और मैं स्टार लेकर इसलिए आता हूँ क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स भी इन सब परेशानियों से गुजरे हैं और अपने आप का लोहा मनवाते हुए ये साबित किया है कि वो हर संघर्ष से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ेंगे भी, तभी वो एक जाके मिसाल पैदा होती है और मिसाल हमारे सामने आती है। तो हम भी चाहते हैं आप उनसे प्रेरणा लें और हमारे खास चैनल क्यूरियन ही आयुर्वेदा से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।